बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज का सीन कुछ ये है कि मुझे जाना है अपने दोस्त की तरफ, और वहाँ पहुँचकर मैं आपको फिर फर्दर अपडेट करता हूँ, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो जी, ये हो रहा है सुहाना मौसम और हम गामजन हैं तब्बा किडनी की तरफ। एक बार फिर से बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बस बारिश ने तंग कर दिया है, बाकी मौसम बहुत सुहाना है। ये देख रहे हैं आप खड्डे जो इन्होंने फिलअप किए हैं, और ये रोड़ी इन्होंने जो डाली है, ये बेस्ट आइडिया है क्योंकि खड्डों से बहुत बेहतर है कि ये रोड़ी डली हुई हो, ताकि आप कम से कम गाड़ी को गुजार सकें इत्मीनान के साथ। ये देखें हालत, स्टेयरिंग कैसे मूव हो रहा है, क्योंकि ये खुद ही झटके इतने ले रही है गाड़ी, हालांकि फिर भी ये रोड़ी डली हुई है। अगर ख़राब रोड हो तो फिर तो सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होगी। ये नीपा का बुरा हाल हुआ हुआ है, और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये काम करें, क्योंकि ये बहुत ही ट्रैफिक वाली जगह है, और यहाँ पर जब ये रोडों की हालत होगी तो कैसे मैनेज होंगे रास्ते। इस वक्त तो मैं ऑफ टाइम में निकला हूँ तो इतना रश नहीं मिला मुझे, लेकिन ये बहुत खराब हुआ हुआ है। A few minutes later, fuel time. हम ये आ गए PSO के पंप पे, और ये हमारा फ्यूल डल रहा है। 2000 का पेट्रोल ही भाई 8.5 लीटर आ रहा है बस। अगर ये आप देखें, ये देखें 2000 8.5 लीटर। तो अब आप देखें कि 2000 रुपये का पेट्रोल 8.5 लीटर, और कहाँ हम 1000 रुपये का डलवाते थे इमरान खान के दौर में, तो वो आता था 6.5 लीटर 1000 रुपये का। तो बहुत महंगाई हो गई है, अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे कुछ। अभी देखें आलमी मार्केट में जो है वो फ्यूल हो गया है कम, और पाकिस्तान में फ्यूल इन लोगों ने बढ़ा दिया है। मतलब आप कुछ तो ख्याल करें यार, आवाम का बहुत महंगाई है, कैसे गुजारा होगा लोगों का। अब आपको कहीं जाना है ना अगर, तो आपको कम अज़ कम गाड़ी में तो आपको 2000 रुपये का फ्यूल, तो मतलब ये कह लें कि ये पीनट है, पीनट। 9000 9500 का लास्ट फ्यूल अप हुआ था गाड़ी मेरी, तो ये अंदाज़ा लगा लें आप। ये आ गए हैं हम तब्बा किडनी अगेन। मैं गाड़ी ले आऊं। तो जी, ये हम आ गए यहाँ पर और ड्रॉप करने अपने दोस्त को। तो मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँ। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर डिफेंस में, और ग्रीनरी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पर। तो काफ़ी रोड वगैरह साफ़ मिले हमें रास्ते में, कुछ कनेक्टिंग रोड्स की वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, बाकी एक ही पानी कहीं नहीं था। तो जो तारीफ़ है सिंध गवर्नमेंट की मैं करूँगा, लेकिन जो ये छोटे मोटे रोड्स जो हैं जो भर गए हैं, टूट गए हैं पानी की वजह से, तो इन पर अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो ये भी प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। तो बहरहाल शारा फैसल वगैरह और DHA यहाँ मुझे क्लियर मिला है, और पानी वगैरह नहीं है, और यहाँ मौसम बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ मौसम। मैंने कहा चले आपसे भी थोड़ी सी बात हो जाए। ठंडी लग रही है इसको। हम फंसे हुए हैं काफ़ी देर से और बहुत ट्रैफिक जैम चल रहा है। अचानक याद आया कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा। तो ट्रैफिक जैम के हालात ये हैं भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा। हालांकि मैं जल्दी निकल आया था वहाँ से कि ट्रैफिक नहीं मिले मुझे, आते वहाँ अधूरी छोड़ दी, और हम निकल आए कि यार चलें हम टाइम से निकलें, ताकि ऑफिस की छुट्टी होने से पहले हम सड़कों पर से गुजर जाएं और गुलशन तक पहुंच जाएं।
लेकिन भाई ये नामुमकिन है कि आप पहुंच जाएं, इतना ट्रैफिक हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और काफ़ी देर से मैं फंसा हुआ उस ट्रैफिक में, हल्की हल्की गाड़ी चलने लगी है, वरना पहले तो ये भी नहीं चल रहा था। तो जी हम पहुंच गए हैं गुलशन जफैन से, और कुछ रास्ता जो कयूमाबाद ब्रिज वाला है वो बहुत ख़राब था, तो वो जो है बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था, उसकी मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है वो आप देखिएगा, कुछ शदीद ख़राब था वो रास्ता, तो मैं बहुत बुरा फंसा वहाँ पर। तो खैर ये कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ गुलशन एक बाग में।